Good morning, students. This is question number 3. So we are going to solve question number 3 in this video. That is exercise 11.1, chapter 3D geometry. Here we have given direction ratios minus 18, 12, and minus 4. Then we have to find its direction cosines. Simple direction ratios given है और direction cosines find कर लें. So आपको पता है तो हम solution start करते हैं. We know that अगर हमारे पास if A, B, C are direction ratios पूरा भी लिख सकते हो, we can write direction ratios of a line, तो then direction cosines क्या होते हैं? Then direction cosines हम लिखते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है ऑफ द लाइन आर सिंपली जो फर्स्ट नंबर होता है अपॉन इट्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट मैग्नीट्यूड जो होगा इक्वल टू बी अपॉन अगेन द सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. चलिए वैल्यूज पुट करते हैं. बट डायरेक्शन को साइंस मेरे पास ए क्या है माइनस 18, बी क्या है हियर वी हैव गिवन दैट 12 और सी क्या है माइनस 4. सो पुटिंग दिस वैल्यू इन फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 18 अपॉन माइनस 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर. ठीक है जनरल इक्वल टू बी, बी है 12 अपॉन अगेन द सेम माइनस 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर. और तीसरी चीज जो हमारे पास है वो सी है माइनस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा बनेगा आगे फर्दर नेक्स्ट स्टेप माइनस 18 अपॉन 18 का स्क्वायर 324, 12 का स्क्वायर 144 और 4 का स्क्वायर 16. सेम है 12 ऊपर अगेन 324, 144 और 4. नेक्स्ट माइनस 4 सेम रूट 324, 144 और 16. आपके पास जो दिस नाउ माइनस 18 अपॉन अगर इनका टोटल करेंगे तो आएगा 484 का रूट पड़ेगा 22, 12 अपॉन 22 और माइनस 4 अपॉन 22. तो कटिंग करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस 9 अपॉन 11, 6 अपॉन 11, 6 अपॉन 11 एंड माइनस 2 अपॉन 11. सो ये हमारे पास आ जाएंगे डायरेक्शन रेशोस. तो डायरेक्शन रेशोस दीज आर कौन कौन सा, नाउ वी कैन से दैट माइनस 9 अपॉन 11 एंड 6 अपॉन 11 एंड माइनस 2 अपॉन 11 आर द रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस.